हेलो गाइज, मैं हूँ भाई। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। होप आप सब बढ़िया होंगे भाई। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज अपने पास है महिंद्रा की थार। भाई ये आप देख रहे हो मैट में और ये देख रहे हो आप ग्लॉस में। बोथ आर सेम, दोनों का सेम वेरिएंट है, दोनों डीजल है, ऑटोमेटिक है। हम आज ग्लॉस वाले की बात करते हैं भाई। 2022 मॉडल है ये, बाकी अभी भी आपको 2023 में आपको सब वही सेम मिलता है भाई, जैसा आपको उसमें मिल रहा है 2023 में। ये एक दो महीने पुरानी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या जो है इसमें महिंद्रा ने आपको ऑफर किया है। सबसे पहले अगर हम गाड़ी के फ्रंट से बात करें तो सब इस कुछ इसमें जो है स्टॉक आपका, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है, उसको छोड़ो भाई, इसी की बात करेंगे। सबसे पहले आपको गाड़ी में जो है भाई पूरा हेलोजन सेटअप है। आपकी टेल लाइट जो आपकी LED में है उसके अलावा पूरा हेलोजन है। यह आपका हेलोजन इंडिकेटर, ये ऊपर भाई DRL है इसकी। बाकी ये हो गई इसकी हेडलैम्प जो कि हेलोजन में है। बाकी इसमें HID लगवा लो भाई, अच्छा थ्रो हो जाएगा। इस तरफ भाई बड़ा सा ये बम्पर है जिस पे थार लिखा हुआ मिलता है भाई। इस जगह में जगह जगह थार की बैजिंग मिलेगी आपको, ऐसे पता चलना चाहिए ना गाड़ी है कोई। ये देखो भाई, यहाँ महिंद्रा ने ये राजस्थान थार डेजर्ट बना रखा है, जिसमें एक आपकी जीप चल रही है, पीछे 2-3 Camel है भाई। गाड़ी नेक्स्ट लेवल लग रही है, नो डाउट। बाकी हम जो आपको गाड़ी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ गाड़ी की, सबसे पहले फेंडर पे जो है इसका, ये देखो भाई इसकी व्हील आर्चिंग काफ़ी वाइड है भाई। देखो कितनी बाहर निकल रखी है ना, इसी की वजह से थोड़ी गाड़ी है ना बल्की बल्की सी लगती है। एक फ्रेम में भी नहीं आती भाई, इसको फ्रेम में लाने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। बाकी फेंडर पे इसका हैलोजन इंडिकेटर, और भाई ORVM पे भी आपको थार की बैजिंग मिल जाती है। ORVM पे भाई आपके पावर फोल्डेबल नहीं है, बट इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है। बाकी गाड़ी पे भाई PPF हुई है, ऑटो क्रू कस्टम्स ने करी है, इस वजह से बैजिंग वगैरह जो उठा रखी है। आप भी विजिट करो ऑटो क्रू कस्टम, अच्छा मतलब वो मैट में हुई है, आपकी ग्लोव में हुई है PPF। अब मैं आपको गाड़ी का जो है टायर साइज दिखा दूँ, तो टायर साइज है भाई गाड़ी का ये रहा 255/65R18 भाई, 18 इंच का एलॉय है इसमें, जो इस पर काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी आफ्टर मार्केट भी लोग काफ़ी सारे करवाते हैं, वो भी ठीक लगते हैं भाई। ये मेरे को स्टॉक गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, आप बताओ कमेंट में स्टॉक पसंद है या थोड़ी बहुत मॉडिफाइड। देखो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन चल जाती है, ज़्यादा ओवर हो जाता है ना फिर अच्छी नहीं लगती। बाकी गाड़ी में भाई फ्रंट में डिस्क, पीछे आपको ड्रम मिल जाते हैं, और ये देखो एक भाई ब्रांड न्यू कार है। ये देखो रस्ट आ गया ना इतनी जल्दी, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है इस पर छोटी सी। ये भाई थोड़ा और अच्छा क्वालिटी वैसे आपको करनी चाहिए। बाकी गाड़ी अच्छे खासे जो है स्टार्स लेके आई है ग्लोबल NCAP में। गाड़ी की रियर से बात करते हैं तो रियर में देखो ऐसी है कुछ गाड़ी भाई, एक नंबर भाई, क्या ही लग रही है ना गाड़ियाँ। बाकी इसका टायर साइज वही भाई आपका स्पेयर टायर जो है, ये है ना कार की लुक को काफ़ी इनहेंस करता है भाई, ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल भाई, एक नंबर लगती है इस टायर की वजह से, पीछे जो ये महिंद्रा ने दे रखा है। बाकी भाई सेम साइज में आपको मिल जाता है ये टायर 18 इंच में। हेडलाइट पे भी आपके यहाँ थार की बैजिंग, बाकी हेलोजन इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लैंप हेलोजन, और ये रात को नाइट में एकदम जलती है, अच्छी लगती है। बाकी नीचे आपको रिफ्लेक्टर भाई दो इसमें आपको कंपनी ने पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। बाकी कैमरा इसमें आता नहीं, आपको आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। के नीचे एग्जॉस्ट वगैरह ही देखो, अंडर बॉडी भाई गाड़ी की। विंडो की बात करें तो इसमें आपको डिफॉगर मिल जाता है, थार में वाइपर देते नहीं है। ओपन कैसे होती है वो दिखाऊं, पहले आप इसको ओपन करोगे, पूरा इसको ओपन कर दो, देन आपकी जो है विंडो ऐसे ओपन होती है। यही कुछ इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है भाई। ये हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया, इसको बंद ऐसे होगा भाई, ये पहले बंद होगा देन इसको बंद कर दो। जी भाई हम कार के अंदर चलते हैं, और कोई कीलेस एंट्री वगैरह नहीं आती है यहाँ आपको। ये हल्का सा मैट फिनिश ये होगा, ये आपका मैट मिल जाता है। ये मैंने आपको व्हील आर्चिंग दिखाई, ये मैट में है। बाकी गाड़ी में ये आपका हार्ड टॉप जो इसका, ये मैट फिनिश में है, अच्छा लगता है। बाकी ये सनवाइज़र आपकी आफ्टर मार्केट है। आप अंदर चलते हैं, डोर ट्रिम दिखाऊँ भाई। तो यहाँ पर भी थार की बैजिंग, थार में जगह जगह पर थार लिखा हुआ मिलेगा आपको भाई। बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच कहीं नहीं है। 20-21 लाख की आराम से पड़ जाती है आपको। बाकी थोड़ा स्टेट विस्टेट का होता है, वैसे 20 लाख के अंडर आ जाएगी। बाकी स्टेट वगैरह देखोगे तो 21 लाख भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। रफ सी फीलिंग है भाई पूरी गाड़ी में। बाकी ये ORVM के इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल थार, बाकी ये ग्रैब हैंडल हो गया। सीटिंग की अगर इसमें बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाती है भाई फैब्रिक सीट्स हैं, लेदर वगैरह नहीं है। स्कूप्स अच्छे हैं भाई, मतलब कंफर्ट है इसमें।
आराम आराम से चलो, ये कोई भगाने की गाड़ी नहीं है भाई, हर बार बोलता हूँ मैं, ये आराम से चलने की गाड़ी है, तो आराम से चलोगे तो मज़ा आएगा इसको चलाने में, ऑफ रोडिंग करोगे भाई। इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है ड्राइवर साइड में। भाई हम अंदर आ चुके हैं गाड़ी के, सबसे पहले हम टिकटॉक को बंद करते हैं। जी भाई ऐसी कुछ की है, लॉक अनलॉक, और ये आपका फ़ोन का हो गया जो मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको सिंपल सा यहाँ आप की लगाते हो, ऐसा है भाई। अभी देखो ऑन करता हूँ। भाई ये एनिमेशन है ना, मेरे को महिंद्रा गाड़ियों का बहुत पसंद है भाई। अब भाई जो गाड़ी स्टार्ट कर लिया है, गाड़ी में आपको मिलता है भाई हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग नहीं है, हाइड्रोलिक है भाई। गाड़ी का एक कूल फीचर देखो ये है, जैसे आप देखो स्टीयरिंग 40% जो है घूम रखा है। अगर मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ तो इसमें आपको वो दिखा देते हैं कि जैसे मैं दिखाऊँ, जैसे इसमें आप जैसे अब ये गियर वाला वो बता देगी, ठीक है। हल्का सा मैंने अगर स्टीयरिंग काट दिया राइट या लेफ्ट, तो ये बता देगी कि स्टीयरिंग आपके कौन सी डायरेक्शन में है, लो फ्यूल वगैरह। छोटी सी MID है, मतलब ओवरऑल भाई गाड़ी बहुत अच्छी है ये, अगर आज उसको प्यार से चलाओ। बाकी भाई शौकीन लोग रखते हैं इस गाड़ी को, वैसे ही वैसे है फैमिली के हिसाब से गाड़ी, वो नहीं है प्रैक्टिकल कार नहीं है थार। बाकी भाई इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है थार में, इस तरफ मिल जाता है आपको टेलीफोनी से 7 इंच की स्क्रीन, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों चलते हैं, वायरलेस नहीं है वायर्ड है। सेंटर कंसोल की बात करें तो भाई ये दो आपके ऐसे इवेंट्स हो गए ऐसे, बाकी लोग मॉडिफाइड करवा के नए नए लगवा ही लेते हैं भाई। इस तरफ बात करें तो ये आपके हो गए भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड बटन है। इस तरफ आपके हो गया ये आपका पार्किंग वगैरह, ट्रैक्शन सीट वगैरह, हैजार्ड, हिल डिसेंट वगैरह के बटन्स। इस तरफ हो गया आपके छोटी सी आइडल स्टार्ट स्टॉप, बाकी ये इसमें आपको ये सब मिलता है भाई, टायर प्रेशर सेटिंग वगैरह, ट्रिप व्रिप व्रिप जो भी है, 4x4 जो भी है वो सब मिल जाता है। ये हो गया इसका मैनुअल ट्रांसमिशन PR&D, बाकी आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ भी आपको शो हो जाते हैं। इसका 4x4 गियर इस तरफ आपको मिल जाते हैं, दो कप होल्डर नॉर्मल है। बाकी इसमें पावर विंडो भाई इसमें आपको दो मिलती हैं, रियर में तो आपके फिक्स ग्लास हैं। बाकी मैनुअल इसका हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट देना चाहिए भाई इसमें, लोग बाग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं उस वाले में लग रखा है, हैंड रेस्ट जो है वो देना चाहिए यार कंपनी को ना, पीछे भी नहीं है, पीछे एकदम ऐसा खाली सा छोड़ रखा है, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, कुछ नहीं दे रखा, मतलब एक कहने का मतलब ये है भाई कुछ भी नहीं है, आप बाहर से लगवाओ तभी इसमें थोड़ा और कंफर्ट आप फील कर पाओगे, बाकी तो भाई कुछ नहीं है। इस तरफ अगर हम बात करें तो टिकट होल्डर है, इस तरफ है आपका वैनिटी मिरर विदाउट एनी लाइट मैनुअल, इसमें आपको IRVM XUV 7W में भी ये दे रखा था। इस तरफ आपको मिल जाता है, यहाँ जो पर्सन बैठेगा वो पकड़ेगा इसको, थोड़ी फील आएगी। बाकी छोटा सा ग्लोव बॉक्स, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। बाकी सीट के स्कूप्स वगैरह ठीक है यार, बोतल होल्डर हो गया। रियर में आपको सीट बेल्ट वगैरह मिल जाते हैं, ऐसा ही है भाई। ये दो ट्विटर हो गए इसकी, ये लाइट हो गई LED में, चलो कुछ तो दे रखा है। ये स्पीकर हो गए इसके, ऐसा है भाई, देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। इसकी इधर बात करें तो इसमें आपको नेवी, टैली, एडवेंचर, कार वार, टॉर्क वगैरह सब आपको शो हो जाते हैं। जैसे एडवेंचर में वो गया, इसमें आपको टॉर्क वर्क सब शो हो जाएंगे भाई। 4x4 गियर, बाकी विंडो तो मैंने बता ही दी। अब चलते हैं हम गाड़ी के इंजन की तरफ। ये है इसका भाई 2200 इंजन का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन, जो कि मैक्स डीजल है भाई, है जो कि इसको मैक्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है आपकी 130 BHP भाई, काफ़ी मतलब काफ़ी पावर है भाई, वरना कहाँ भगाएगा भाई, थार भगाने के लिए नहीं है, बहुत बॉडी रोल है इस गाड़ी में, नेक्स्ट लेवल। 130 BHP और 300 Nm का टॉर्क भाई, गाड़ी में पावर दे रखी है महिंद्रा ने। बाकी मैंने रेटिंग बताई, अच्छी खासी रेटिंग ला रखी है गाड़ी ने। सेफ्टी एयरबैग वगैरह की बात करें तो 2 एयरबैग मिलते हैं आपको, एक ड्राइवर साइड, एक आपका पैसेंजर साइड। बाकी भाई ये देखो, यहाँ देखो कुछ भी इंसुलेशन नहीं है, डीजल इंजन है ये, पेट्रोल हो तो चल फिर भी देखें थोड़ा रिफाइनमेंट होती है, बट डीजल इंजन में बिल्कुल रिफाइनमेंट नहीं होती, बहुत नॉइज़ करता है, कैबिन तक काफ़ी नॉइज़ आती है, तो कुछ इंसुलेशन देनी चाहिए यहाँ पर यार, तो अभी थोड़ा और सेल्स बढ़ेगी इनकी, थोड़ा वो है भाई इंडियन ब्रांड रहेगा ना, इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इनके इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते महिंद्रा पे, बस हाँ ये है डीजल इंजन जो है, इनके इंजन्स हैं वो काफ़ी वही है,
फीचर देख के कार ले दे, इंजन तगड़े चक्की दे, इंजन बढ़िया है इनके, फीचर वीचर इतने वो नहीं, इनके बस की बात भी नहीं है महिंद्रा की भाई, देना चाहिए ना यहाँ वो तो दे दो कम से कम, गाड़ी थोड़ी वर्थ इट तो लगे। बाकी भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो लेगा थार। चलो जी भाई ओवरऑल गाड़ी का लुक देख लो। बाकी आप बताओ, देखो ये ग्लॉस है आपकी, इस तरफ आपकी मैट है, ग्लॉस मैट बताओ भाई कौन सी बढ़िया लग रही है। मैट थोड़ी ज़्यादा लुक इन्हेंस कर देती है यार, ग्लॉस तो बतेरी गाड़ियाँ पड़ी हैं, जितनी भी गाड़ियाँ बनाती कंपनी सब ग्लॉस में बनाती है। ये आपकी मैट में है देखो, ये कुछ ऐसी है फ्लिप की आपकी, सब में यही दे रही है, लॉक हो गया अनलॉक हो गया, बाकी DRL वगैरह आपकी जल जाती है लॉक अनलॉक पे हल्की हल्की। और ये भाई आपके पार्किंग लैंप ऑन हो जाते हैं इससे, ऐसा है भाई ठीक है जी। चाबी से अच्छा है, मतलब कई गाड़ियों में दे देती है, कईयों में वो सायरन वाला दे देती है, इसमें आपका ये इसमें आपको पार्किंग लैंप का दे रखा है, हज़ार जिसको बोलते हैं भाई, सही है भाई। भाई यही कुछ वीडियो थी, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।